अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टू बी एडोरेबल विद हुमा ताहिर। और आज हम बना रहे हैं सड़क वाले आलू छोले और किडनी बीन्स, इसके अंदर ऐड करेंगे। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें इमली का गूदा या पल्प चाहिए, चने चाहिए हमें एक पाव, लोबिया या रेड बीन्स एक पाव, एक कप प्याज चॉप किए हुए, एक मीडियम साइज़ की टमाटर, एक कप आलू बॉयल क्यूब्स में, नमक, चीनी, पुदीना और हरी मिर्चें, और केचप होममेड, मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है, वो चाहिए हमें। रेसिपी मैं आई बटन में लगा दूंगी। अब हमें एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने डाल लेने हैं बॉईल किए हुए वाइट चने एक पाव। एक पाव ही हमने इसके अंदर लोबिया या जो ये रेड किडनी बीन्स होते हैं वो डाल देने हैं। एक मीडियम हमने इसके अंदर प्याज चॉप की हुई, स्क्वायर चॉप की हुई डाल देनी है। एक मीडियम टमाटर डाल देना है। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं एक कप आलू जो बॉईल करके हमने स्क्वायर चॉप किए हैं। इसके अलावा जो है हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है पुदीना, हरी मिर्चें, नमक एक टीस्पून और एक टेबलस्पून चीनी का। ये सब डालने के बाद हमने इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आपने इक्वली सब चीज़ों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। कोशिश करें इसको इतना मिक्स करें कि चीनी डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद जो एक कप हमने इमली का पल्प बनाया था, इमली को भिगो के रख देना है, गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है, एक कप पानी में भिगोना है और जो ये पल्प बनेगा ये हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर कुछ भी मीठा ऐड नहीं है, ये प्लेन इमली का पल्प है, ठीक है ना। ये हमने डाल के इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और आखिरी जो हम इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे वो है टमाटो केचप। टमाटो केचप की रेसिपी जो है मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप टमाटो केचप की रेसिपी और टमाटो केचप को चिली गार्लिक सॉस में कन्वर्ट करने का तरीका सीख सकते हैं। तो ये हमारी जो सड़क वाली आलू छोले विद किडनी बीन्स तैयार हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि वो एक थोड़ा सा जो स्पाइसी सा हिंट है वो आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, अगर आप इसे ट्राई करेंगे यकीन करें आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि आजकल क्वारंटीन की वजह से ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि बाहर की चीज़ खाई जाए। तो ये बहुत ही ईजीली जो आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और वीडियो के साथ दोबारा